नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लेके आ गया हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 5 अमेजिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। तो सभी एप्लीकेशंस के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलने वाली है और सारी एप्लीकेशंस बहुत ही कमाल की होने वाली, क्योंकि यार बहुत ही मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ये 5 एप्लीकेशंस। दोस्तों, इस लिस्ट में जो टॉप पे है उसका नाम है म्यूजिक पाइप्ड। बेसिकली गाइस, ये एक म्यूजिक प्लेयर है जो कि आपके लिए यूट्यूब की प्लेलिस्ट वाली वीडियोस को जो एज अ ऑडियो प्ले करता है। इंटरफेस भी इसका देखने में बहुत ही कमाल का है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाना है। वहां पे जाने के बाद बॉटम में आपको एड का ऑप्शन दिखेगा, एड पे क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट फ्रॉम यूट्यूब पे टैप करना। उसके बाद यूट्यूब पे जाके किसी भी प्लेलिस्ट के लिंक को कॉपी करके यहाँ पर जो है यूआरएल को पेस्ट कर देना। उसके बाद इम्पोर्ट पे आपको क्लिक करना है। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद वहां का प्लेलिस्ट जो है आपके सामने यहाँ आ जाएगा और आप यूट्यूब की किसी भी वीडियोस को आसानी से एज अ ऑडियो अपने फोन में प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से यूट्यूब की वीडियोस को एज अ ऑडियो आप प्ले कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है नोट टच। बेसिकली इस एप्लीकेशन की मदद से जो है आप अपने फोन के स्क्रीन टच को लॉक कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले इसके सारे परमिशंस को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये एक अनलॉक पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा 1000 सेट कर देता हूँ। उसके बाद बेसिकली हुआ क्या, आप किसी को भी अपना फोन चलाने देते हैं और गाइस आप इस लॉक वाले बटन को कहीं भी स्क्रॉल करके अगर इस पे डबल टैप करके इसे लॉक कर देते हैं तो उसके बाद वो बंदा वीडियो देख रहा होगा, उसके बाद वो कहीं पे भी टच करेगा तो आपका टच जो है यहाँ पर काम करना बंद कर देगा। लाइक आपका फोन जो है फुल्ली सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वो बंदा उस लॉक आइकन पे दो बार टैप भी करता है तो बिना पासवर्ड डाले जो है यहाँ पे लॉक स्क्रीन ओपन नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने फोन की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है चार्जिंग एनिमेशन। तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो आप जब भी अपने फोन को चार्ज में लगाएंगे तो एक अलग सा एनिमेशन दिखेगा, बिल्कुल ही मस्त सा एनिमेशन दिखेगा। लाइक ट्रांसपेरेंसी आप यहां से सेट कर सकते हैं, बहुत सारे आपको एनिमेशन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एनिमेशन को जो है यहां पर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सुपर मारियो को लगा देता हूँ। उसके बाद गाइस जैसे मैंने यहाँ पे चार्जर लगाया तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एनिमेशन आ गया सुपर मारियो का कैरेक्टर जो है यहाँ पर रन कर रहा है। उसके साथ साथ गाइस आप जो है यहाँ पर इसके साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इसके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं या फिर आप कहे तो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसे ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी सेट कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। लिस्ट में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है स्क्रीन शॉट गो। तो नॉर्मल गाइज ये एप्लीकेशन स्क्रीन शॉट लेने के साथ साथ जो है आपके लिए स्क्रीन शॉट्स के अंदर जितने भी टेक्स्ट है उन्हें रिकॉग्नाइज करके बताता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी स्क्रीनशॉट को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसे करने के बाद रिकॉग्नाइजेशन वाले आइकन पे अगर मैं यहाँ पर टैप करूंगा तो यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट है इससे जो है इसने ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर दिया। और गाइस अगर आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉपी होकर जो है एक नोटपैड में पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है किसी भी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जो यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए ये तो रही मैंने आपको गैलरी से सेलेक्ट करके दिखाया। इसके बाद गाइस अगर आप यहाँ पे इसे स्टार्ट करने के बाद कोई भी एक स्क्रीनशॉट लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन आता है कि आप इसे कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में मूव करना चाहते हैं। उस कैटेगरी में मूव करने के बाद बेसिकली गाइस आपको जो है यहाँ पे उस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद उस स्क्रीनशॉट को ओपन करना। ओपन करने के बाद अगर आप रिकॉग्नाइजेशन वाले इस बटन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहे हो इन सभी टेक्स्ट को जो है इसने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ रिकॉग्नाइज कर दिया। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट पे अगर आप टैप करते हैं तो सारे टेक्स्ट जो है यहाँ पर एक कॉपी होकर आप इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, उसका नाम है रीचेबिलिटी कर्सर। तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो आप लाइक आजकल के फोन्स जो है बहुत ही बड़े बड़े आ रहे हैं तो यार हाथ बड़ा तो हो नहीं सकता। तो यार यहाँ पे होता क्या है कि आप चलाने के चक्कर में फोन कई बार जो गिर जाता है, बट इसकी मदद से जो आपके लेफ्ट साइड राइट साइड से एक रीचेबिलिटी कर्सर आता है, इसकी मदद से आप नीचे से ही किसी ऊपर वाले एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं साइड से इसे ला रहा हूँ और सबसे टॉप पे जो एप्लीकेशन है उसे भी बड़ी आसानी के साथ अपने फोन की ग्रिप अच्छी बनाए हुए उसे मैं ओपन कर ले रहा हूं। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो ये चीज कर सकते हैं इससे आपका फोन बहुत ही ज्यादा सिक्योर होगा। तो यार यहाँ पे बहुत ही आसान, लाइक ये कर्सर भी काम करेगा और आपका टच भी काम करेगा तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। लाइक ब्राउजर में जो है सर्च बार नॉर्मली ऊपर ही होता है तो इस चीज को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं या कहीं पे भी कुछ भी अगर आप ब्राउज करना चाहते हैं कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से नीचे से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस कुछ इस टाइप की थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो चली, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।